हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन को लिया गया फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिया गया है इसका चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसीलिए इसको आपको याद कर लेना है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ जाते हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? क्या होगा, क्या होगा सही आंसर? बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, विक्रमादित्य के, या फिर कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के, या फिर कनिष्क के। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे, ठीक है। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह डॉट डॉट था। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका मैं सही आंसर बता दूं, नालंदा था, ठीक है, नालंदा। आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन आपके सामने यह रहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या फिर सामवेद। किसमें, क्या होगा फ्रेंड सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है, इसमें यह है, आगे याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं इसको अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी। ए उचित उचित समतावादी, द श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। क्या होगा आंसर? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका ए हो जाएगा, उचित समतावादी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला है, दीन ए इलाही था एक, दीन ए इलाही था एक, क्या था दीन ए इलाही? क्या था? कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, मस्जिद या फिर धर्म। दीन ए इलाही क्या था, क्या था फ्रेंड्स, सही आंसर क्या होगा इसका? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, दीन ए इलाही जो था वह धर्म एक था, ठीक है, धर्म, याद रखेगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, धर्म था। आगे चलते हम लोग। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को डॉट डॉट अवधि के भीतर भरा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल को रिक्ति को कितना अवधि के भीतर भरा जाएगा? क्या होगा आंसर? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मास के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरकार की स्थिरता डॉट डॉट में अस्वस्थ होती है। सरकार की स्थिरता डॉट डॉट में अस्वस्थ होती है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, संसदीय शासन, राष्ट्रपति शासन, बहुव्यक्ति कार्यपालिका शासन या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। सरकार की स्थिरता डॉट डॉट में अस्वस्थ होती है, क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आगे, डाक मतदान को अन्यथा डॉट डॉट कहा जाता है। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन आपके सामने यह रहा, बहुमतदान, परोक्षी मतदान, भारतीय मतदान या फिर गुप्त मतदान। तो फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका डाक मतदान वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा परोक्षी मतदान, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
मजदूर संघ संगठन के माध्यम से चलाए गए शासन को डॉट डॉट कहा जाता है। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, श्रेणी समाजवाद, फेवियन समाजवाद, सिंडिकेटवाद या फिर उदारतावाद। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिंडिकेटवाद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यायधारिता सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सही आंसर मैं इसका बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायधारिता सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति डॉट डॉट द्वारा ही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायधारिता परिषद या विश्व बैंक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा महासभा के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर तक पहुंच चुकी थी? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल में या फिर जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, क्लाइव के शासनकाल में, हेस्टिंग्स, विलेजली या फिर कॉर्नवालिस। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसका, कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे चलते हम लोग। भारत में गरमदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले, बल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व बैंक सामान्यतः डॉट डॉट देती है। विश्व बैंक सामान्यतः क्या देती है? अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण या फिर मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा, जो विश्व बैंक सामान्यतः मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देती है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। क्लोन डॉट डॉट की कालिनी है। क्लोन डॉट डॉट की कालनी है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिका या फिर एक समान आकार वाली कोशिका, एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिका या फिर भिन्न भिन्न अनुवांशिक संगठन वाली कोशिका। क्लोन डॉट डॉट की कालनी है, किसकी कालनी है फ्रेंड्स? क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स, मैं सही आंसर बता दूं इसका, ये सही आंसर रहेगा सी, एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण डॉट डॉट होते हैं। चिकने और शुष्क, रुच और चिपचिपे, रुच और शुष्क, बड़े और दिखने वाले। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं फ्रेंड्स? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। ठीक है, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, ये वाला होगा आंसर। आगे चलते हम लोग। अनाज के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सिरका, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा सही आंसर फ्रेंड्स? अनाज के परिरक्षण के लिए, तो सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका सही सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग डॉट डॉट होता है। ए, वास्तुस्फीति, लकवा, अतिसार या फिर पेचिस। क्या होगा सही आंसर?
तो फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा वात स्फीति। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, रक्तकोट या फिर दृढ़ पटल रोग, कोट सॉरी सकाला या फिर शंकु। तो क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है। ठीक है, आगे। भारत की प्रसिद्ध लैगुल झील डॉट डॉट है, भारत की प्रसिद्ध लैगुल झील डॉट डॉट है, डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, मानसरोवर। क्या होगा सही आंसर? तो भारत की प्रसिद्ध लैगुल झील क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चिल्का झील। ठीक है, आगे याद रहेगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डॉट डॉट होता है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डॉट डॉट होता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिक्षेपण। आगे चलते हम लोग। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डॉट डॉट में पाए जाते हैं, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी डॉट डॉट में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, यूरोप में, प्रशांत महासागर, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा इसका, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 11.1%, 22.2%, 33.3% या फिर 44.4%। क्या होगा फ्रेंड सही आंसर? तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 33.3%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन डॉट डॉट में स्थित है, ग्रैंड कैनियन डॉट डॉट में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, कोलोराडो नदी में, राइन नदी, ताप्ती नदी या फिर नाइजन नदी। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका कोलोराडो नदी में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, बेलन, शुष्कन, किण्वन या फिर गलानन। कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, शुष्कन जो क्रिया होता है यह आवश्यक नहीं है, ये आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हम लोग। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डॉट डॉट द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आसमान तापन या फिर उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही आंसर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप भी और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज इस पर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।